उर्दू में मेरा तहजीर उन्नास ही ले लें, ये बरेली हजरात हजरात के, तो मैंने कहा यार दो चार फिक्र हम रजा ने ढूंढ करना, वो भी पहला आगे किया दूसरा पीछे किया तीन चार जगहों से, और एक नई भारत बना ली। किताब तो पढ़ कर दिखाओ तुम, तो अगर समझ ही सको वही बड़ी बात। यह आप यकीन जाने बेटा बैगर काजियानी नहीं हुआ तो सिर्फ तहजीर उन्नास, ये कहते हैं उन्होंने दरवाजा खोल दिया खतने मुल्क का कुफर तोड़ दिया, उसने तो बेहतर पाँव हमारे मजबूत कर दिए। कादियानी का सबसे बड़ा चार है कि यार खादमन भी आखिरी नदी, ये कोई तारीफ की बात है? एक नालायक लड़का किताब में सबके पीछे है, ये कोई मजा है आखिर में होना? कोई बात बताओ जो शान। इसलिए वो कहते हैं ये खादमन भी आखिरी नदी कोई नहीं, इसका मफहूम है अफजल नदी। जैसे है ना कुरान पर तकरीर खत्म है, वो कहते हैं ये नहीं कि उसके बाद नहीं आएगा, ये वो ये माना बेटा करते ये मौलाना मुमताज़ रहमत ने किया, और इससे फिर निकाला कि आप आखिरी भी हैं, जब आप सबसे अफजल हैं और दीन आपने मुकम्मल कर दिया और दीन महफूज है, तो सूरज आने के बाद फिर छोटे छोटे सितारे आएंगे। दोनों को संभाला, माना भी रहा अफजल नबीन का कि आप सबसे आला, और ये आखिर में आए हैं ये भी चूंकि इजमाए उम्मत है लाल दिए भाई साहब किया, इसका मंकर काफिर है, मगर उस किताब पर जुर्म कर रहा है जो उसमें मौलाना ने दरवाजा खोल दिया। उसमें से इबारत पढ़ना है हदीस नहीं पढ़ने, बिल फर्ज रसूलुल्लाह के बाद कोई नबी याद है तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं है, इसके निकाल। अब बात क्या खातमियत बाद उसमें तीन मानों में, एक खातमियत जमानी कि आपका दौर आखिर में, इसको भी बयान किया जिसका मुनकर है काफिर, एक खातमियत रुतबी के मरतबा भी आप पर खत्म है, जैसे मैंने कहा कि बुरा आदमी पर या तकरीर खत्म है आला, ये खातमियत रुतबी इसको कहा। एक खातमियत अल्लाह ने पहले नफूस आपको दी रूहों की दुनिया में, दूसरे सारे नबियों से करार किया उनको आपकी तस्दीक से नफूस दी है, वो तो पहली है आपकी जाति ड्रैक्ट अल्लाह ने आपको, तीन है उसमें खातमियत जाती खातमियत रुतबी और खातमियत जमानी, सबको संभाला। ये फिक्रा जो है ना ये खातमियत रुतबी का, अगर आपके पास भी दरबार कोई नबी आता तो मरतबे में आपके कोई कमी ना आती, आपको शुरू में मेरा आपका मरतबा सबसे आला रहता, मगर दूसरा नुकसान होता कि आला के बाद अलना शुरू कर दिए, वो आ गई है कितने आ नहीं सकता, मगर बेलफर्ज आता वहाँ खातमियत जमानी की बात नहीं, वहाँ मरतबे की बात, मरतबा आपका ही ऊंचा रहना। किताब को बदल दिया बेटा, और जो जवाब देते हैं ना देवबंदी वो भी पढ़ते हैं, इधर उधर की बातें करते काम नहीं पाते, किताब को पढ़े समझे फिर पता चले कि जो उसमें बयान हुआ 1400 साल में कोई नहीं कहता। इसलिए पीर करम शाह रहमत ने जब पढ़ा ना बरेली से जागीर है, उन्होंने फिर इस पर एक मजमून लिखा कि यार क्यों जुलम करते हो, मैंने ये किताब पढ़ी इतनी शान तो हजूर की हम बरेली भी नहीं बयान कर सकते थे मौलाना नाम की। इन्होंने फिर बेटा खत लिखे 200 साल की हमारी मेहनत तुमने बर्बाद कर दी, हमने उसको काफर बनाया होता तुमने उसकी मना कर उस बेचारे को तंग की, क्या करें हक लिखने नहीं गए। आप देखे ना ये मौलाना अमर दाखा इलम बड़ा था, इसमें कोई शक नहीं, मौलाना अनवर शाह भी कहते थे कि इस तरह पर आ गए, मगर फिका का बहुत बड़ा आलम, मगर यही काम कि ये काफिर है काफिर है काफिर, इन्होंने बेटा काफिर नहीं कहा, ये बदली और मुशरक काफर बिलती भी नहीं कहा, बस अकीदा रख लेते थे ये चीज़ें नहीं थी। मौलाना रशीद अहमद गंगई रहमतुल्लाह अलैह आखिर में नबीने हो गए थे, उनके फिर शागिर्द थे आला मोहम्मद यहिया, उनको कहते थे कि रसाला आता है मिर्ज़ा कम दे सुना, तो खिजर बेटा उन्होंने कहा अगर मेरा हौसला नहीं वो आपको इतनी गालियाँ देता, उन्होंने कहा छोड़ बेटा कभी जो मुखालिफ है ना उसकी बात से जितनी गलती समझ जा रहा बाढ़ शायद हमसे कोई गलती हुई मरने से पहले रूप कर, और थानी साहब से जब किसी ने कहा कि आमिर रजा मर गया, अदब से नहीं कहा सिर्फ आमिर रजा मर गया, उन्होंने कहा नालायक इतना बड़ा आरन था और कितने गुमराह फिरकों के राजियों में देखता था, तूने ऐसे जिक्र किया जैसे बाजार ने कोई बंकी मर गया, तू मौलाना कहता तो उनका अदब से जिक्र कर। थानी साहब ने बेटा फरमाया कि यही फतवे जो है ना कि हमें ये काफिर का जरा हौसला देखें यही इसकी नजात का बायस बन जाएंगे, अगर देर से नहीं ना दिए वाकई समझा कि हमसे बेदबी हुई है तो ये इसी से बख्शा जाएगा, हम अपनी जान छुड़ाएंगे कि ये माना हमारे वहम में भी नहीं छोड़ेगा, हम अपनी उधर पेश करेंगे, इसने अगर कहा कि रसूलल्लाह ये क्यों अल्फाज ऐसे लिखे ना ये भी बख्शा जाएगा। मुखालफों के बारे में ये रवैया बेटा
اس لیے یہ حدیث جو مجھے کافر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں تم نے نہ دیوبند کا پڑھا، اپنے سے باہر نکلتے نہیں، کتابیں فقہ کی جو نا حقیقت اور فقہ تم نے لکھ لی ہے، غلط، وہاں تجوز لکھا ہے اندرون خدا نے، اس نے لا تجوز بنا دیا، کوئی شرم کرو، اتنا جھوٹ اور اس کو تم حقیقت اور فقہ کہتے ہو، تو نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، بس جو صحیح بات بنا رہا ہے اس کے پیچھے پڑھ دیں، بولا تیار ہو جاؤ، چلو بہت خوشی ہوئی آپ مطلب کہہ دیں، جتنے دن ہیں پھر ملاقات ہو جایا کرے، علم عمل میں اللہ برکت دے، جیسے نیک لوگ بچہ نتیش کہتے کہ ایک طرف تو حق جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا، دوسری طرف سلف کا احترام نہیں چھوڑنا، اگر رائے کا اختلاف بھی ہے جس کے اندر ان کی بزرگی ختم ہو گئی، انہوں نے اتنی محنت کی، اتنی ہم پریشان کیا، دین کو سہرانا ہے، ایک منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو